सब्सक्राइब कीजिए साहिल जैन बिना मार्बल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट मार्बल की वीडियोस देखने के लिए। आज का टॉपिक है मार्बल और ग्रेनाइट के ऊपर, उसके मैं ऊपर डिफरेंस बताने जा रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन मार्बल एंड ग्रेनाइट। वीडियो को पूरा जरूर देखना, पॉइंट टू पॉइंट हम वीडियो को समझाने वाले हैं क्या दोनों में कॉमन चीज़ है और क्या डिफरेंस है, ग्रेनाइट को कहाँ यूज़ लेना चाहिए, मार्बल को कहाँ लेना चाहिए। तो वीडियो पूरा जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। मैं साहिल जैन, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी ग्रेनाइट और मार्बल के बीच में क्या कॉमन चीज़ है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। पांच जो इन दोनों में सिमिलरिटी है वो है, पहला पॉइंट है बहुत आर नेचुरल स्टोन, दोनों ही स्टोन नेचुरल है, कोई कंपोजिट नहीं है। सेकंड पॉइंट ये है कि दोनों ही पत्थर को निकालने का प्रोसीजर एक ही है, दोनों ही माइनिंग से निकलते हैं और दोनों का मतलब माइनिंग से ब्लॉक निकलना, ब्लॉक से निकल के कटिंग तक जाना, दोनों का प्रोसीजर सेम है। तो सेकंड चीज़ इन दोनों में कॉमन है कि दोनों ही माइन से निकलते हैं। तीसरी चीज़ जो इसमें कॉमन है बहुत आर लॉन्ग लास्टिंग लाइफ, दोनों की लाइफ लॉन्ग है, ये नहीं है कि भाई एक साल बाद ये ख़राब हो जाएगा वो ख़राब हो जाएगा, दोनों ही ख़राब नहीं होने वाला है, दोनों का लाइफ ड्यूरेबिलिटी दोनों के पत्ते की सेम है। फोर्थ पॉइंट है बहुत आर मल्टीपल यूजेज, इन दोनों को आप बहुत सिंगल जगह नहीं, फ्लोरिंग में नहीं, आप दीवार पे भी यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हो, मतलब इसको विंडो में लगा सकते हो, इसकी डिजाइनिंग दे सकते हो। मोस्टली इसको फ्लोरिंग में भी लोग डिजाइन देते हैं, तो लोग सोचते हैं ग्रेनाइट फ्लोरिंग में नहीं लगता है, ग्रेनाइट भी लगता है पर वो डिजाइनिंग के लिए लगता है। और फिफ्थ पॉइंट है कि दोनों का GST रेट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दोनों का सेम है, दोनों को 18% टैक्स है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि ग्रेनाइट का टैक्स अलग होगा, मार्बल का अलग होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ दोनों का सर्विस टैक्स एक ही है। आपने मार्बल और ग्रेनाइट में क्या कॉमन चीज़ है वो तो आपने सुन ही लिया, मैंने आपको पांच पॉइंट बताए थे, अब मैं आपको डिफरेंस के 7 पॉइंट बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ सुनना। उससे पहले मैं जो सबसे ग्रेनाइट और मार्बल में सबसे मेन डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे बैक स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि ग्रेनाइट और मार्बल में मैं डिफरेंस बताऊंगा, अभी पूरा वीडियो पीछे देखते रहना। मैंने अपने ऑफिस पे जहाँ हम लोग बैठते हैं उसकी स्टेयर्स के ऊपर मैंने ग्रेनाइट लगाया था, आप देख रहे हो अभी तो ग्रेनाइट आपको सिंपल दिख रहा है, अब मैं पानी गिरा के दिखाऊंगा, पानी जो गिरने के बाद जो कलर आ रहा है वो कलर जब मैंने ग्रेनाइट फिटिंग किया करवाया था तब ऐसा पॉलिश था उसके बाद, और 3 महीने बाद उसका पॉलिश देख सकते हो आप कैसा हो चुका है। क्योंकि आप जो एक चीज़ नोट करना, आप मार्केट में ग्रेनाइट परचेज करने जाते हो तो मोस्टली 99% ग्रेनाइट शेड में रहते हैं, उसका रीज़न क्या है, उसका रखने का रीज़न यही है कि उस पर पॉलिश 3 महीने से ज़्यादा नहीं टिकता। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप लोग ग्रेनाइट जब फ्लोरिंग में लगाते हो तो वो 3 महीने बाद उसका पॉलिश उड़ने के बाद आप उसे रीपॉलिश कभी नहीं करा सकते, ग्रेनाइट पे कभी भी रीपॉलिश नहीं होता। अब मैं आपको मार्बल दिखाता हूँ जो 17 साल हो चुके हैं, मकराना का मार्बल लगा हुआ है आप देख रहे हो, उसका पॉलिश दिन ब दिन जैसे पानी गिरेगा उस पर पॉलिश शाइनिंग आता ही जाएगा, उस पर कम होने का तो सवाल ही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है ग्रेनाइट जहाँ यूज़ होता है तो वही यूज़ कीजिए, ये नया तरीका मत अपनाइए फ्लोरिंग में लगाने का, फिर लगाने के बाद आपको 1 साल 2 साल बाद चेंज करना पड़ेगा, उससे बेटर है आप मार्बल लगाइए। ग्रेनाइट को एलिवेशन में, विंडो में, उनमें यूज़ कीजिए। दोनों चीज़ में क्या कॉमन थी वो आपने देख ही लिया, सुन ही लिया, पाँच पॉइंट मैंने कॉमन दिखाए थे। अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि ग्रेनाइट और मार्बल में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है ग्रेनाइट हार्ड स्टोन है और मार्बल सॉफ्ट स्टोन है। हार्ड और सॉफ्ट का मीन ये नहीं है कि आप लोग ये सोच लोगे कि भाई मार्बल सॉफ्ट है कुछ चीज़ गिरने के बाद वो एब्जॉर्ब कर लेगा, वो नहीं करेगा, मैं भी आपको वो भी दिखाऊंगा। क्योंकि मेरा सॉफ्ट कहने का मतलब आप बहुत लोग सोच लोगे कि मार्बल तो सॉफ्ट आता है हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। अब मैं आपको पहले मार्बल पे चाय गिरा के दिखा देता हूँ, ये देखिए चाय, और मैं आप ही के सामने ये मकराना का मार्बल लगा हुआ है इसके ऊपर चाय गिरा रहा हूँ। इसको अपन ऐसे ही रहने देते हैं 10-20 सेकंड तक, उस तरह जब तक मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि ग्रेनाइट हार्ड कहने का मेरा मतलब है कि जब मिस्त्री लोग रहते हैं वो आपको पता है जब आपके घर में मार्बल फिटिंग होता है तो वो मार्बल का रेट तो लेते हैं 15 से 30 रुपये और ग्रेनाइट का लेते हैं 30 से 50 रुपये,
आपने कभी सोचा नहीं वो 30 से 50 क्यों लेते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब मार्बल लोग फिटिंग करते हैं ना, तो मार्बल एक दिन में वो 100 से 150 स्क्वायर फीट मार्बल फिटिंग कर देता है एक आदमी। और ग्रेनाइट जब फिटिंग करता है ना, तो 50 स्क्वायर फीट से ऊपर वो फिटिंग नहीं कर पाता, क्योंकि उसको कटिंग होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसमें आयरन है, वो कैल्शियम है, इसलिए वो हार्ड है। अब ये चीज़ चाय गिरी हुई आपने देखी है, और आप ही के सामने मैं इसको एकदम क्लीन करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप देखना है, मतलब छोटा सा भी दाग नहीं पकड़ेगा। ये देखिए, अब पास से दिखा देता हूँ मैं आपको, ये एकदम साफ हो चुका है। वीडियो पूरा देखना, मैं आपको फिर बोल देता हूँ, मैं हर चीज़ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। सेकंड डिफरेंस है इसमें कि ग्रेनाइट आर प्री पॉलिश्ड और मार्बल आर अनपॉलिश्ड। ग्रेनाइट आप देख सकते हो पॉलिश किया हुआ रहता है। इसका रीज़न है, ये इतना हार्ड ग्रेनाइट इतना हार्ड रहता है कि इस पर प्रेशर बहुत जरूरी है, वहाँ उस मशीन से पॉलिश नहीं हो पाता है, इसलिए पॉलिश करवा के देना पड़ता है। अगर ग्रेनाइट वहाँ आप अनपॉलिश लगाओगे तो आप पॉलिश नहीं करवा सकते, उसको पॉलिश नहीं आएगा। तो और अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि मार्बल अनपॉलिश आता है, उसका रीज़न भी बताऊंगा क्यों आता है। जो सेकंड पॉइंट था मैंने आपको दिखाया था, अभी ग्रेनाइट प्री पॉलिश मतलब पॉलिश किया हुआ अवेलेबल रहता है, और मार्बल अनपॉलिश रहता है। ये आप देख सकते हो मार्बल आपको पॉलिश किया हुआ नहीं मिलेगा। दो पीस सैंपल की आपको पॉलिश करके कोई भी दिखा सकता है। इसका रीज़न है कि मार्बल जब फिटिंग होता है तो बहुत ईजीली इस पर पॉलिश हो सकता है, ग्रेनाइट बहुत हार्ड होता है तो उस पर ईजिली पॉलिश नहीं हो सकता। इस पर आप ईजिली इसको कटिंग करके लगवा के आराम से, जो छोटी मशीन होती है वो भी बहुत अच्छा पॉलिश कर देती है। अब थर्ड पॉइंट जो इसमें डिफरेंस है, थर्ड पॉइंट है वो है कि सबसे बड़ा जो नोट करने वाला है, डिफरेंस बिटवीन मतलब ग्रेनाइट में आपको जो जॉइंट है, फ्लोरिंग होता है उसमें आपको जॉइंट बहुत ईजिली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, और आप मार्बल में आप जॉइंट ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उसका मैं भी आपको दिखा देता हूँ सीधा साधा एग्जांपल। यहाँ ग्रेनाइट भी लगा हुआ है और मार्बल भी लगा हुआ है। आप कितना भी कुछ भी कर लो, ग्रेनाइट का जो जॉइंट है वो दूर से ही मुँह फाड़ेगा, जो बोलते हैं ना कि भाई दूर से ही नज़र में आता है, ये देखो ईजिली आपको ये जॉइंट दिखेगा। और मार्बल का जॉइंट ये देखिए, आपको ईजिली इसमें नहीं दिखेगा कि कहाँ जॉइंट है। अब मैं इसमें बता देता हूँ, इसका जॉइंट यहाँ है, आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, मतलब बहुत ही अच्छा जॉइंट मार्बल के ऊपर आता है। फोर्थ पॉइंट है ग्रेनाइट और मार्बल में, ग्रेनाइट जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होता है, जहाँ पब्लिक ज़्यादा चलती है, जैसे मॉल्स हुआ, बस स्टैंड हुआ, वैसी जगह ज़्यादा यूज़ होता है, और मार्बल प्राइवेट जगह यूज़ होता है, जो आप देख सकते हो जो अपने ऑफिस में घर में यूज़ करते हैं। पाँचवा डिफरेंस है कि ग्रेनाइट जो गर्मी में बहुत ज़्यादा हीट मारता है, और मार्बल उतना हीट नहीं मारता, उसके कंपैरिजन में बहुत कम हीट मारता है। जैसे एक ग्रेनाइट है, मैं आपको वीडियो में मैं टच कर रहा हूँ तो आपको फील नहीं होगा, आप घर में एक बार ट्राई करना। जब गर्मी में जहाँ धूप रहती है आप ग्रेनाइट पे हाथ लगाओगे तो आप हाथ 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि ये पूरा लोहा है, ये बहुत ज़्यादा हीट मारता है, और ये गर्मी में बहुत कम हीट मारता है। इसलिए घर के अंदर अगर आप यूज़ लेते हो तो मेरी नज़र में मार्बल यूज़ लेना, ग्रेनाइट यहाँ के लिए यूज़ नहीं है। ग्रेनाइट एक्चुअली बना है पिलर्स के लिए, ये जो है घर के बाहर पिलर है, जहाँ किसी को हाथ भी नहीं लगाना है वहाँ लगा सकते हो। विंडो है, विंडो की फ्रेम बनानी है या कुछ स्काइडिंग वगैरह डिजाइन देना है मार्बल में, एक्चुअली ग्रेनाइट बना इसी के लिए है, पर लोग आजकल फ्लोरिंग में लगाने लग गए। फ्लोरिंग में लगने लायक ये नहीं है, जो घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो लोग उस पर नहीं चल पाएंगे, बहुत ज़्यादा हीट मारता है वो। और मार्बल इसका सिक्स पॉइंट है, मतलब छठा इसका डिफरेंस है कि ग्रेनाइट का प्राइस एवरेज है। ग्रेनाइट का प्राइस आपको एवरेज मिलेगा, जैसे 60 से अगर स्टार्ट हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 300, 350, 400, 500 उसका लास्ट है। मार्बल है, मार्बल का रेंज 20 में भी मिलता है और मार्बल 20,000 में भी मिलता है। मार्बल की प्राइस का कोई लिमिटेशन नहीं है, ग्रेनाइट का लिमिटेशन है लास्ट 500, उससे ऊपर ग्रेनाइट का रेंज नहीं जाता है। इसमें सबसे बड़ा ये डिफरेंस है। ग्रेनाइट तो ग्रेनाइट मोस्टली अपन अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं इकोनॉमिक रेंज है, और मार्बल अफोर्डेबल रेंज है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उस रेट का मार्बल ले सकते हो, कंपलसरी नहीं है कि आप हर कोई महंगा। 7 नंबर इसमें डिफरेंस है कि ग्रेनाइट में आपको बहुत कलर मिल जाएंगे और मार्बल में आपको केवल 2 से 3 कलर मिलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्रेनाइट में
जैसा कलर चाहिए आपको वैसा कलर मिल जाएगा। ये देख रहे हो, ये ब्राउन टाइप में है, ये वाइट है, ये ब्राउन शेड में है। मतलब जैसा जितने आपको कलर चाहिए ग्रेनाइट में हर कलर अवेलेबल हो जाएगा। मार्बल में केवल 2 से 3 कलर आते हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको 7 डिफरेंस वो ग्रेनाइट का तो बता ही दिया कि ग्रेनाइट में बहुत से कलर मिल जाते हैं। आप देख सकते हो मार्बल में मोस्टली लिमिटेड कलर रहते हैं, ब्राउन, वाइट, ग्रे, पिंक या ब्लैक। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 कलर मिलेंगे आपको ग्रेनाइट में। आपको मैनी कलर आपके लिए अवेलेबल है, आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। और वाइट मार्बल में ये लिमिटेड कलर है, ये भी एक मेजर डिफरेंस है। आपने पूरा वीडियो देखा होगा, उसमें दोनों में कॉमन क्या है, डिफरेंस क्या है, हर चीज़ मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाई है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेरा यही मोटिव है कि भाई आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आप मार्केट में जाओगे तो ईजिली आप कंपैरिजन कर सकते हो कि भाई ग्रेनाइट मुझे कहाँ लगाना है मार्बल। नहीं तो बहुत लोग कन्फ्यूज़ में रहते हैं कि ग्रेनाइट लगाए मार्बल लगाए, तो मेरा यही है घर में लगाओ तो मार्बल लगाओ, ठीक है। कहीं आपको डिजाइनिंग के लिए लगाना है तो कोई जरूरी नहीं मार्बल लगाओ, आप वहाँ ग्रेनाइट यूज़ ले सकते हो। जैसे मैं अभी भी दिखा देता हूँ, हमने भी विंडो में ग्रेनाइट यूज़ लिया है, ये विंडो की फ्रेम वगैरह बनती है। पर आप जो फ्लोरिंग है, जैसे ऑफिस में इधर ही हमारा लगा हुआ है, ये मार्बल ही लगाओ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ कमी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। हम भी कोई ये नहीं है कि भाई हम भी इंसान हैं, हमसे भी कोई मिस्टेक हो सकती है। अगर आपको कुछ कमी लगे वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में वो आपको कमी नहीं मिलेगी। ठीक है सर, धन्यवाद। Deena Marble Industries exclusive showroom of Makrana Marble at Kishangarh Road, Rupangarh, Ajmer.